विद्वंत दक्षताशील शकांति शक्रांति अनुशीलन शिक्षक से गुणा सप्त सचेत सत्व प्रसन्नता विद्वत्व दक्षता शील संक्रांति अनुशीलन सचेतत्व और प्रसन्नता ये सात शिक्षक के गुण हैं स्कॉलर एक्सपर्टीज ह्यूमिलिटी जेनरेसिटी वाइज एंड ऑलवेज इन ध्यानम एंड हैप्पी आर दी वर्च यू एंड हैपी आर दर्च यू ऑफ गुरु बहुत सारे कंटेंट को रिव्यू करने के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या क्वेश्चन और उनके सटीक आंसर को लोकेट करना है या कैंडिडेट को हेल्प करना है ताकि वो अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस कर सके एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे उन्हें प्रजेंट कर सके तो उसके लिए हमने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हम ढंग से डिस्कस कर सकें हर एक बारीकी को और हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन से आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा वहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिचुएशनल पैडागॉगिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पैडागॉगी से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से लेसन प्लानिंग से तो हम हर एक पैरामीटर को बहुत ही बारीकी से टच करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें फॉर द बेस्ट ऑफ योर इंटरव्यूज इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें आप अपने नाम के बारे में बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे स्ट्रेंथ बताएंगे हॉबी बताएंगे वीकनेस बताएंगे अपने अचीवमेंट्स बताएंगे हर क्वेश्चन का बेहतर जवाब ढूंढने से बेहतर होगा कि हम क्वेश्चन पूछे जाने का कारण ढूंढें कि वो क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी में क्या असेस करना चाहता है अगर वो मालूम होगा तो अपना बेहतर आंसर आप खुद ढूंढ पाएंगे जैसे कि शुरू करें कि अगर क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम तो ऐसा सवाल आपको पहली बात कंफर्टेबल करने के लिए और इंटरव्यू की शुरुआती फेज में यह असेस करने के लिए होता है कि आप कितने क्यूरियस हैं अपनी चीजों के लिए और बेसिकली टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्यूरियसिटी टू नो एंड अंडरस्टैंड इवन अ बेसिक सिंपल टू सिंपल कंटेंट ऑफ योर लाइफ फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से तो यह सवाल आपकी प्रोफेशनल जर्नी को चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपके अचीवमेंट्स कैसे रहे आपके चैलेंजेस क्या रहे कितनी क्रिटिकल थिंकिंग आपने लगाई कितना इनोवेशन आपने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कई बार कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है टू टू चेक दैट हाउ फार यू अंडरस्टैंड योर ओन एबिलिटीज एंड योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर कैपेसिटीज एंड हाउ वेलकमिंग यू आर टू लर्न न्यू वेंचर्स एंड हाउ मच रेडी यू आर टू इंप्रूव फिर एक क्वेश्चन आता है कि ओके टेलस समथिंग अबाउट योर हॉबीज तो हॉबीज के बारे में आप विस्तृत जानकारी उन्हें दें क्योंकि यह क्वेश्चन दोबारा इसलिए पूछा जाता है ताकि जनरली वो ये पता कर पाए कि कितने मल्टीटास्किंग हैं आप बेसिकली आपके पास क्या क्या चीजें हैं सर्व करने के लिए स्टूडेंट्स को सो दैट यू कुड असिस्ट दी स्टूडेंट्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी फिर एक बहुत क्रिशियल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो है वीकनेस के बारे में तो वीकनेस के बारे में इट्स नॉट अ नेगेटिव क्वेश्चन कि वो आपकी वीकनेस जानना चाहते हैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि ये पता किया जाए कि आपका बिहेवियर कितना रिजिड है और स्पेशली एजुकेशन में सीखने की और इम्प्रूव करने का एटीट्यूड हमेशा बना रहना चाहिए तो वेदर यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस एंड यू आर रेडी टू वर्क ऑन द पैरामीटर्स टू एनहैंस योर स्किल्स और नॉट आपके अचीवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा ऑफिशियल अचीवमेंट्स होने चाहिए नहीं तो आपका आंसर गलत चला जाएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है टू चेक कि आपको कितनी झील है अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे आपका एटीट्यूड टवर्ड चैलेंजेस कैसा रहेगा ये जानने के लिए आपके अचीवमेंट्स के बारे में जाना जाता है एक बहुत खास क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके नेटिव प्लेस के बारे में अगर आप के का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जॉब में आपको रिलोकेट किया जाएगा आपको डिफरेंट प्लेसेस पोस्ट किया जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोस्पेक्टिव से इंटरव्यूअर आपकी मेंटल स्टेट इन टर्म्स ऑफ रीलोकेटिंग को समझना चाहता है अगर आपको मालूम है अपने नेटिव प्लेस के बारे में मतलब आपको अगर कहीं पोस्टिंग मिलेगी तो आप एक्साइटेड रहेंगे उस जगह के बारे में जानने के लिए और बहुत जल्दी वहाँ कंफर्टेबल हो जाएंगे विद द नॉर्म्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ दैट प्लेस तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके पीछे पूछे जाने का कारण क्या है वो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे पेडागोगिकल क्वेश्चंस, सिचुएशनल पेडागोगिकल क्वेश्चंस और आने वाले फेजेस में हम डेफिनेटली टच करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डेमोन्स्ट्रेशन इन जनरल की आपके लेसन प्लानिंग में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या एलिमेंट्स क्या क्या कॉम्पोनेट्स होने चाहिए सो दैट यू कुड प्रूव योर सेल्फ एज एन आउटस्टैंडिंग टीचर थैंक यू